दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री खुराना जी, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय सचिव आरती जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न प्रमुख पदाधिकारीगण और मित्रों, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भ्रष्टाचार के विषय को लेकर देश की परिस्थिति है, उस पे बहुत बड़ी चर्चा और आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई, अभी एनडीए की गुवाहाटी में हुई, 16 तारीख को मुंबई में है, और लगभग हर बड़े स्थान के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज समाज में बहुत बड़े विषय हैं और समाज की चिंताएं इन विषयों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। अक्सर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पहले 2-3 वर्ष किसी भी सरकार के लिए जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो बहुत सरल होते हैं। लोग सरकार को अवसर देना चाहते हैं। ये तो 4थे और 5वें वर्ष में कठिनाइयां आरंभ होती हैं। कोई सरकार जब अपनी लोकप्रियता खोती है तो उसके जीवन में 3 परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थिति को चुनाव जीतने के बाद बड़ी आनंद की होती है, जिसको हमारे मीडिया के साथी जो विवाह के तुरंत बाद बहुत आनंदमय समय होता है तो उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। दूसरा फेज होता है कि परिश्रम करना, मेहनत करना, कार्यक्रम लागू करना, वो एक स्लॉग पीरियड होता है। और तीसरा फेज जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं और घटती लोकप्रियता तब दिखती है, तो उसको रिवल्शन, घृणा का फेज कहते हैं। लेकिन ये UPA 2 सरकार ऐसी थी जिसके जीवन में ना तो हनीमून हुआ ना स्लॉग हुआ, और चुनाव जीतने के कुछ सप्ताह के पश्चात वो घृणा का दौर जनता के बीच में आरंभ हो गया। इट्स अ स्ट्रेंज गवर्नमेंट विच स्टार्टेड विद अ रिवॉल्यूशन। और इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं कई कारण बतला सकता हूं। बढ़ती हुई कीमतें, प्रधानमंत्री जी के बारे में छवि है कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और उनकी बहुत बड़ी विफलता है कि आज 2-3 वर्षों से इस देश में बढ़ती हुई कीमतों पर कैसे नियंत्रण करना है कोई विचार उनको सूझता नहीं है। और हर क्षेत्र में तकलीफ है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है, जिसको हम कहते थे कि सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च करो उससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, UPA 1 की यह नीति थी। लेकिन आज सरकार की जितनी रिपोर्ट आती है आपको बतलाएंगी कि नरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा है आधे से ज्यादा, लगभग 2/3 गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा। तो ये जो 2/3 गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता, ये सामाजिक व्यय है या राजनीतिक व्यय है? इज इट अ सोशल एक्सपेंडिचर और इज इट अ पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर? कॉमनवेल्थ गेम पे अगर 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में पैसा भ्रष्टाचार में डूब गया तो किस श्रेणी में उसको गिनेंगे? और इस सारे
बैंक का असर देख लो, एक साल में 6 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़े, उसका असर उद्योग पे भी होगा, ये जो स्टॉक मार्केट पे पिछले सप्ताह से हो रहा है उसका असर उस पे भी होगा, और सरकार के पास कोई विचार नहीं है। प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें, कश्मीर इतनी बड़ी समस्या है, 60 वर्षों से एक गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, कुछ सरकार के पास विचार नहीं। सच में ये आज ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा संकेत कर दें कि 1953 से पहली स्थिति पर चले जाएं। मुझे ज्ञात है इस बात का कि सरकार में चिंतन हो रहा है कि एक बार फिर वहां के राज्यपाल को सदर रियासत बना दिया जाए और उसका चयन वहां की विधानसभा करे, जो बाकी देश की परिस्थिति है वो ना हो। ये मैं अंदाजे से नहीं कह रहा, जानकारी के आधार पर कह रहा। माओवाद से निपटना था तो आरंभ में ऐसा दिखलाया चिदंबरम साहब ने जैसे गृह मंत्री के नाते इस युद्ध का जनरल में, पहले दिग्विजय सिंह ने कुछ कह दिया, उसके बाद सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में एक लेख लिख दिया और माओवाद के खिलाफ लड़ाई चिदंबरम जी ने छोड़ दी, और अब ये कहते हैं ये राज्यों को लड़ाई लड़नी है, हम तो केवल पुलिस देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। कोई परिस्थिति सरकार के नियंत्रण में नहीं, आज ये विडंबना है। आज आपने ये कार्यक्रम रखा तो मैं घर से चलकर यहां तक आ रहा था तो मुझे किसी ने टेलीफोन पर बतलाया कि हाल ही में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सुबह एक आदेश दिया है। आपको याद होगा कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने का काम सीबीआई करती है, और हम कितने आंदोलन कर चुके हैं कि सीबीआई की निष्पक्षता को आपने समाप्त कर दिया। आरुषि और रुचिका के मामले पर सीबीआई जांच नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका को कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं चला ये क्या हुआ, लेकिन राजनीतिक मामलों पे विरोधी के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए और किस प्रकार कांग्रेस के या यूपीए के सदस्यों के खिलाफ जो आरोप आते हैं उस पर पर्दा डाला जाए, सीबीआई को केवल यह जानकारी है। सीबीआई की सारी शक्ति आपने आज राजनीतिक मामलों में किसी को फंसाना और किसी को बचाना इसमें लगा दी, तो जहां क्रिमिनल जांच चाहिए जो समाज की अपेक्षा है वो सीबीआई याद नहीं कर पाती। अब सीबीआई की जो नियुक्तियां होगी कौन करता है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है, सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो जांच करता है, सीबीसी। अब सीबीसी की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, तो हमारी ओर से सुषमा जी गई, प्रधानमंत्री जी और चिदंबरम गृह मंत्री जी बैठे, 3 लोगों के नाम लाए, उन्होंने कहा यह अखबारों में छपा है, बहुत बड़ा विवाद है, और उन्होंने कहा कि सीबीसी के खिलाफ की नियुक्ति है, उन्होंने कहा देखिए इस व्यक्ति का नाम मत लीजिए, बाकी 2 या 3 नाम आप लाए इनमें से किसी को भी नियुक्त कर दीजिए, और कारण यह है कि जिस व्यक्ति का नाम आप लाए हैं 3 में से 1 का, उसके स्वयं के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। सीबीआई की नियुक्ति करने वाला सीबीसी और सीबीसी उसको बनाओ जिसके खिलाफ करप्शन केस चल रहा हो, एक अहंकार जो इस सरकार का है। मल्होत्रा जी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक सरकार का मंत्री सीएजी के खिलाफ बोलता है, आरंभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, और अगला 1 घंटा केवल सीएजी जो संवैधानिक संस्था है उसको बुरा भला कहता रहा। He started by accusing us of being against constitutional institutions and spent the next 1 hour against the CAG. ये अहंकार है सरकार का।
तो उन्होंने कहा नहीं सुषमा जी, आपकी बात हमें मंजूर नहीं है, हम इसी व्यक्ति को सीवीसी बनाएंगे। मुझे याद है एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी, आजकल मैं नाम कम सुनता हूं, वो ये दीवारों के पेंट वगैरह बेचती थी, तो उसके विज्ञापन का बहुत अच्छी एक नारा होता था, When you see color, think of us. आपको कहीं रंग नजर आए तो हमारे बारे में सोचिए। यहां जब किसी पे भ्रष्टाचार आ जाए तो कांग्रेस का उससे लगाव इतना हो जाता है कि ये तो बिल्कुल अपना ही होगा। कि when they see the corrupt, they think they have a sense of affinity to that man. तो तीन में से एक पे भ्रष्टाचार का मुकदमा था तो मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम ने कहा यही ठीक है, इसी को बनाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हो गई उसके खिलाफ, उसकी नियुक्ति को। अब गले में सांप लटक गया, एक भ्रष्ट को बना दिया। आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो मुझे टेलीफोन आया, तो मैं विजेंद्र जी के कमरे में गया कि टेलीविजन पर देखूं यह खबर सही है। जो भ्रष्टाचार का मुकदमा उसके खिलाफ चल रहा था, सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस सीवीसी के खिलाफ वो करप्शन का मुकदमा अब तुरंत आरंभ करो। आज ये परिस्थिति है, विडंबना है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी सरकार ने बनाया है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, सीबीआई अधिकारियों की नियुक्ति करता है, अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चल। अब ये काम तो ये राजा ने नहीं किया, ये काम कॉकरोची ने भी नहीं किया, ये तो स्वयं मनमोहन सिंह जी ने किया। आज ये परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर सीबीसी इस्तीफा नहीं देता और अपने पद से नहीं हटता तो पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का मजाक बढ़ेगा, समाज का मजाक बढ़ेगा कि यहां का सबसे बड़ा अधिकारी जो इस सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया उसके खिलाफ स्वयं भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। और ये एक प्रकार से व्यंग है जिसको हम कहते हैं कि गले में सांप लटका है, समझ नहीं आ रहा उसके साथ करें क्या। द प्रेजेंट सीबीसी टुडे हैंग्स अराउंड द प्राइम मिनिस्टर्स नेक लाइक एन अल्बेट्रॉस। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अगर 47 से आज तक देख लो तो प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कम से कम राजनीतिक अनुभव नहीं है ये लोग कहते थे, लेकिन दो चीज कहते थे कि एक तो अर्थशास्त्री है और शायद निजी तौर पे ईमानदार आदमी, उनकी प्रशंसक उनकी दो बातें कहते थे, राजनीतिक नेता नहीं है लेकिन ये दो उनकी खूबियां हैं। अब अर्थशास्त्री कितने निकले वो तो अर्थव्यवस्था और कीमतों ने बतला ही दिया। बहुत विचित्र प्रकार के ईमानदार आदमी हैं कि 47 से लेकर आज तक इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ही लीड्स द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1947। ये परिस्थिति आज सरकार की है। आपने हर संस्था को परवर्ट कर दिया, आपने सीबीआई को एकदम ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने में लगा दिया, सीबीसी सबसे भ्रष्ट बना दिया। और आप एक के बाद एक कांड देखिए क्या है। पिछले सप्ताह 31 तारीख को इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल ने एक फैसला दे दिया जिससे बोफोर्स केस की जानकारी बाहर आई। ये क्या मामला था? और हम में से कई विशेष रूप से जो नौजवान हैं वो तो बहुत छोटे होंगे जब ये आरंभ हुआ। क्या कारण है कि 24 साल पहले दिया हुआ एक ठेका कॉन्ट्रैक्ट आज भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा? और कारण बड़ा स्पष्ट है,
कि देश के अंदर एकमात्र भ्रष्टाचार का यह मुकाबला है जो प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक जाता है। 1986 में आरंभ हुआ, सन 82-83 में भारत को तोपें खरीदनी थी युद्ध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब तथ्य देखिए, और इस तथ्यों को जानने के लिए कोई कानूनी विशेषज्ञ होना उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। बोफोर्स केस में भ्रष्टाचार कांग्रेस के प्रधानमंत्री के गृह तक जाता है यह समझने के लिए सामान्य आदमी होना की आवश्यकता है, कोई बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई रॉकेट बनाने की साइंस नहीं है जो इसके तथ्य है। भारत को तोपें खरीदनी थी, स्वाभाविक है सेना तय करेगी कौन सी तोप खरीदनी है। सेना ने आकलन लगाए, एक नहीं 5 बार आकलन किए, फील्ड ट्रायल्स, और 5ों बार फ्रांस की एक बंदूक थी जिसका नाम था सॉफ्मा, 5ों बार प्रथम नंबर पे वो आती थी। सन 1985 में राजीव गांधी जी स्वीडन गए, वहां के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, बाद में उनकी भी हत्या हुई, ऑल्फ पाम, उनका भी आग्रह था कि हमारे देश की आप बंदूक खरीदिए। अचानक 1985 में जब 5 बार यह तय हो गया कि पहली वाली खरीदनी है, तो एक समझौता हुआ वहां की कंपनी का, जो बोफोर्स की कंपनी थी, एक मिडिलमैन बिचौलिए से, उस कंपनी का नाम था एई सर्विसेज। वो एई सर्विसेज उसको कहता है कि 31 मार्च 1986 से पहले आपको ये ऑर्डर दिलवाऊंगा तो मुझे इतनी कमीशन मिलेगी। ऐसे बिचौलिए खूब घूमते हैं। केवल वो दिलवाने का दावा नहीं करता था, वो ये भी कहता था कि फला तारीख से पहले दिलवा दूंगा। ये कौन था बिचौलिया? जैसे ही छठा ट्रायल किया तो सेना ने कह दिया वो फ्रांस वाली छोड़ दो और स्वीडन वाली खरीद दो बोफोर्स। पहला कदम ये उठाया। उसके बाद 2-3 महीने का समय था, 31 मार्च तक रोज फाइल आगे चलती थी। एक दिन तो ऐसा था कि 17 दफ्तरों से 17 मेजों से फाइल एक दिन में गई। 17 अथॉरिटीज क्लियर द फाइल ऑन वन डे, और करते करते 24 मार्च को बोफोर्स को ऑर्डर दे दिया। मैं कई बार मजाक में तब कहता था कि 24 को देने की बजाय अगर 2 अप्रैल को दिया होता तो उसको कमीशन ना मिलता, क्योंकि 31 मार्च के बाद था, लेकिन उसका उसकी रक्षा करनी थी इसलिए 24 मार्च को दे दिया। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। 1 साल बाद अप्रैल 1987 में स्वीडन के रेडियो पे खबर आई कि भारत ने जो बंदूकें खरीदी है वहां के राजनीतिक नेताओं को पैसा मिला है। हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजीव गांधी जी थे कि मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिला। एक जेपी, उस पर वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया सरकार से, जेपीसी गठन हुई। याद होगा कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस अधिक सीटें जीती थी, विपक्ष की सीटें नहीं थी। जेपीसी में सिर्फ सरकार के समर्थक थे। उसने एक फर्जी रिपोर्ट दे दी कि ये जो बिचौलियों को पैसा मिला है ये रिश्वत नहीं है, ये कमीशन नहीं है, किकबैक नहीं है, ये तो वाइंडिंग अप चार्जेस हैं कि बिचौलिए समाप्त करने का सरकार का निर्णय था, इसलिए बिचौलिए समाप्त करने के लिए इनको पैसा मिला। अब सरकार ने, सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं लिखी, कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इस देश में केवल 2 बार उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकारें आई, 11 महीने के लिए वीपी सिंह की आई और 5-6 साल के लिए अटल जी की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार आते ही पहला काम उसने किया कि एफआईआर लिख दी। स्विट्जरलैंड में जाकर जो खातों की जानकारी थी जहां पैसा गया था उन अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया, पैसा वहां रुकवा दिया, और उनको कहा कि ये अकाउंट्स किसके लाभ, कौन है इसके पीछे, ये हमें जानकारियां दो।
उसके बाद या कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस समर्थित सरकारें रही, पहला काम उन्होंने किया कि माधव सिंह सोलंकी थे विदेश मंत्री, उसने जाके स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखी और कहा, चिट्ठी दी कि भाई हमें कोई कागज नहीं चाहिए आपसे, कोई जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो पहले पत्र गया हुआ था बीपी सिंह के समय, उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने जानकारी ले ली है, ये तीन लोग हैं जिनको ये पैसा मिला है, उसमें से एक नाम था कौतरोची का। अब कौतरोची कौन थे? सन 60 के दशक में इटली से भारत में आए थे, यहां एक कंपनी थी स्नैप प्रोजेक्ट, ही उसके प्रतिनिधि बने, बड़े बड़े ऑर्डर उनको मिलते थे। जैसे ही उसका नाम आया, और गांधी परिवार के बहुत नजदीकी मित्र थे, सीबीआई को जो एसपीजी वालों ने बयान दिया है कि दिन में 4000 बार घर आते थे। एक केस में अरुण नेहरू जी से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि रैक्स के ऊपर फोन करता था मुझे कि ये करना ये नहीं करना। जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति है, तो कोई भी ईमानदार सरकार क्या करती, सबसे पहले उसका पासपोर्ट जब्त कर लेती कि भागेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री को लिखा नरसिम्हा राव को कि इसका पासपोर्ट जब्त करो, ये भाग जाएगा। इन्होंने पासपोर्ट जब्त करना तो छोड़िए, 3 दिन के अंदर उसको हिंदुस्तान से भगवा दिया। यहां से भाग के मलेशिया चले गए। वो जो वीपी सिंह के जमाने में चिट्ठी गई थी, उन्होंने आके सारे दस्तावेज दे दिए और पूरे कागज दे दिए कि इतना पैसा रिश्वत का मिला और ये पैसा इन खातों में जमा है। वो खाते आज भी फ्रोजन है, बंद किए हुए हमने खाते। पहली बार इस देश के इतिहास में स्विस अकाउंट्स की जानकारी भी आ गई। पर चार्जशीट नहीं, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को भी कांग्रेस का समर्थन था। वाजपेयी जी की सरकार आई, पूरी दुनिया जहां से कागज इकट्ठे करके इस सब के साथ केस कोर्ट में डाल दिया, चार्जशीट डाल दी। कानूनी प्रक्रिया आरंभ हुई, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया। सरकार के अंतिम दिनों में कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं ये चार्ज गलत है, गलत फैसला था। वो पहले भी 4 बार गलत फैसले आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, पहला निर्णय मनमोहन सिंह जी की सरकार का था वो जो गलत फैसला हाईकोर्ट का आया, जिसमें सीबीआई कह रही है मैं अपील फाइल करना चाहती हूं, हम अनुमति नहीं दे रहे, सीबीआई अपील नहीं फाइल करेगी, इस केस को बंद कर दो। अब कौतरोची को ढूंढते ढूंढते सीबीआई एक्सटेंडिशन लेती मलेशिया पहुंच गई। मलेशिया में कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, सोमवार को केस की सुनवाई होनी थी, वो शनिवार को मलेशिया से कहीं और भाग गया। रेड अलर्ट नोटिस चल रहा था, अंत में उसको अर्जेंटीना में पकड़ लिया गया 2007 में। हमारे एम्बेसडर थे अर्जेंटीना में रथ, उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार को कहा कि इसको पकड़ के बाहर भेजो। यहां से विदेश मंत्रालय हमारे एम्बेसडर को लिखता है कि देखिए उनको भारत वापस लाने में खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये एक्सटेंडिशन को आगे मत बढ़ाओ, उसको जाने दो। वो अर्जेंटीना से निकलकर अपने देश वापस इटली चला जाता है। पता कहानी लगभग मुझे लगता है वो सिनेमा देखते थे हम, कौन सा, जिसमें वो डॉन एक जगह से दूसरी जगह भागता था और फिर कहता था पकड़ना नामुमकिन है, और कांग्रेस सरकार उसकी मदद कर रही थी। हिंदुस्तान से मलेशिया, मलेशिया से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से इटली, और इतना बेशर्म नेतृत्व कि इसके उत्तर में कहता है आपने साबित कैसे नहीं किया। लेकिन एक चीज भूल गए, वो जो पैसा था उसका, वो तो अभी उन खातों में था, खाते बंद हो गए थे। तो मनमोहन सिंह जी ने आखिरी कार्यक्रम भी कर दिया, अपने एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा, पैसे वहां थे,
और उनको कहा देखिए हमारे पास कोई केस नहीं है, इसको अब जाने दीजिए, तो उसके पैसे भी उसको वापस दिलवा दिए। हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाए, लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूं कि जो सच्चाई है उसमें एक ताकत होती है, वो कभी ना कभी उभर कर बाहर आती है। जितना उसको छिपाओगे दबाओगे कहीं ना कहीं से चीरती हुई बाहर निकल आएगी। और सरकार सच्चाई में एक ताकत होती है, वो लगी रहती है कि कभी ना कभी कोई रास्ता ढूंढकर मैं बाहर आ जाऊं। इन्होंने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, उसको आदमी को भगा दिया, कोर्ट से केस बंद करवा दिया, पैसा उसको वापस दिलवा दिया, और फिर कहा जी देखिए बरी हो गए, कोई साबित नहीं हो पाया। एक और दूसरे बिचौलिए थे विन चड्डा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर की तो उसमें अपनी आमदनी दिखाई, तो कोई ईमानदार अधिकारी था, उसने कहा ये आमदनी नहीं है, जो स्विस खाते में तुम्हें पैसा मिला वो विदेश में मिला, पर तुम्हारी आमदनी है उस पर टैक्स दो। उसने अपील दायर कर दी, उसकी अपील खारिज हो गई। इस बीच में उसकी मृत्यु हो गई, उसका पुत्र, उसके पुत्र ने आगे अपील दायर कर दी इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल में। वो कोई 8-10 साल अपील सुनवाई के लिए आई बाद में, तो ट्राइब्यूनल में कोई 2 ईमानदार सदस्य होंगे, एक जज था और एक अकाउंट्स मेंबर था। उन्होंने 98 पेज का पूरा निर्णय दिया, और जितने ये दस्तावेज उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में आए, या जिसको जोगिंदर सिंह लाए थे, जो वीपी सिंह के जमाने में चिट्ठी उनको दी थी कि ये कागज भेजो, उन्होंने सारे मंगवा लिए, और सारे मंगवा कर कहा कि इतना पैसा इस खाते में इसको मिला है विंचड्डा को, इतना पैसा हिंदुजा को मिला है, और इतना पैसा कोतरोची को मिला है, और इस सारे पैसे पे इनकम टैक्स दो। और अब हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र समस्या आ गई कि सीबीआई को तो तैयार किया था ये कहने के लिए कि कोई रिश्वत नहीं मिली, और टैक्स वालों ने कह दिया कि रिश्वत के ऊपर भी टैक्स लगेगा। आज वास्तविक स्थिति यह है कि सीबीआई कह रही है नो किकबैक्स हैव बीन पेड, और टैक्स अथॉरिटीज कह रही है कि टैक्स दो जो किकबैक मिला है, और इस अकाउंट में इतना पैसा मिला है। और वो हिम्मत के साथ लगी हुई सच्चाई कहीं से ना कहीं से रास्ता ढूंढते हुए उभर के बाहर आ गई। और एक एक बात जो हम आज 23 साल से कह रहे हैं उस टैक्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में लिखी है, उसके अतिरिक्त तो कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। मैंने इसलिए ये कहा कि ये कहना मैं ईमानदार हूं, बट आई लीड द मोस्ट डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री। और हर मैंने सबसे भ्रष्ट आदमी को लेकर सीवीसी बना दिया, मैंने हर संस्था का दुरुपयोग करके ऐसा मामला, कौन था कोतरोची, क्यों वो डिफेंस डीलर तो नहीं था, उसको पैसा क्यों मिला, कौन सी ताकत थी। अच्छा अब क्या पता चला, वो जो एई सर्विसेज जो कहती थी कि मैं 31 मार्च 86 से पहले ऑर्डर दिलवाऊंगा, अब एई सर्विसेज में जो पैसा गया उसका भी अकाउंट मिल गया, उसमें जो पैसा गया वो जाते ही वहां से निकलकर एक कोलबार इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी में पनामा आइलैंड में चला गया, अब उसके खाते के पीछे गए। उसके जब अकाउंट्स खोले तो उसके अकाउंट में कौन से 2 नाम निकले, ऑटोवियो कोतरोची, मारिया कोतरोची। तो जिस व्यक्ति ने जो 5 सेना ने ट्रायल किए और कहा कि फ्रांस की बंदूक खरीदो, और जो व्यक्ति बीच में आ गया एई सर्विसेज और उसने कहा मैं ऑर्डर दिलवाऊंगा और 31 मार्च से पहले दिलवाऊंगा, वो कोतरोची था। और कोतरोची किसके नजदीक था, ये बात सच है कि मनमोहन सिंह जी के नजदीक नहीं था, वो तो उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ये बतला दे किसके नजदीक था। सच्चाई उनको मालूम है
कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है, द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस, और इसीलिए मैंने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक जाता है। कोई दूसरा भ्रष्टाचार का मामला ऐसा नहीं हुआ सन 47 से लेकर आज तक, विच लैंड्स एट द डोरस्टेप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। और यही कारण है कि आज 24-25 साल बीत गए फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता। लोग जवाब मांगते हैं और आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये 2G का मामला क्या है, स्पेक्ट्रम का? बोफोर्स में जो अमाउंट था 2G की तुलना में तो बहुत कम था, वो तो पूरा ऑर्डर ही 1500 करोड़ के करीब का था। टू जी का जो मामला है कि आपको याद होगा कि पहले जो टेलीफोन विभाग था फिर वो सरकार चलाती थी, MTNL या BSNL, DOT। इस देश के अंदर जो टेलीकॉम सेवाएं थी वो इतनी खराब थी कि आपको टेलीफोन चाहिए तो 20 साल इंतजार करना पड़ता था। उसका एक माप होता है जिसके लिए शब्द यूज प्रयोग करते हैं कि टेलीडेंसिटी क्या है इस देश की। सन 1994 में हिंदुस्तान की टेलीडेंसिटी थी 0.8%, यानी कि 100 में से 0.8, 1% से भी कम लोगों के पास होता। अगर दिल्ली शहर में 1 करोड़ लोग हैं तो 1 लाख से कम फोन है, और गांव में तो बहुत ही कम था। सरकार का यह मत था और सही मत था कि निजी क्षेत्र इसमें आना चाहिए और निजी क्षेत्र की जो आर्थिक ताकत है वो इसमें लगनी चाहिए, सरकार के पास इतने साधन नहीं है। इसको खोला गया, जब कांग्रेस सरकार ने सन 94 में इसको खोला तो उसने मूलतः 2 गलतियां की। पहली गलती उसने ये की कि ये कहा कि हर क्षेत्र में केवल 2 खिलाड़ी आएंगे, ओनली 2 टेलीकॉम प्लेयर्स इन ईच सर्कल, जिससे प्रतियोगिता सीमित थी। दूसरा गलत निर्णय था कि बहुत बड़े मात्रा में हम लाइसेंस फी लेंगे। उसका असर यह हुआ कि निजी क्षेत्र तो आ गया पर 2 खिलाड़ी आए हर क्षेत्र में, और जो लाइसेंस फी थी, जो उपभोक्ता को टेलीफोन का खर्चा देना पड़ता था, पहले उन्होंने आरंभ किया कि 1 मिनट कॉल का रेट होगा 32 रुपए, फिर उसको किया 16 रुपए। जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो 1 मिनट फोन का रेट था 16 रुपए। अब ये 2 खिलाड़ी लाइसेंस फी भी नहीं दे पाते थे, इन्होंने कहा सरकार ने उल्लंघन किया, इन्होंने 1000 करोड़ रुपया सरकार से मांग लिया। अटल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय लिया कि इस लाइसेंस फी को समाप्त करो, और ये जो तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम 2 ही रहोगे, कोई तीसरा नहीं आएगा, यहां असीमित लोग भी आ सकते हैं। और लाइसेंस भी समाप्त करने के बाद जो कमाई आप करते हो उसमें से 1 हिस्सा सरकार लेगी, रेवेन्यू का हिस्सा लेगी। उसका असर यह हुआ कि 16 रुपए से दर 2 रुपए आ गई, 2 रुपए से 1 रुपए आ गई, उससे 50 पैसे आ गई, 30 पैसे तक। जो टेलीडेंसिटी 0.8% थी आज लगभग 68% और 68% के बीच में, और दिल्ली शहर में तो 110-115% है कि एक व्यक्ति के पास एक नहीं एक से ज्यादा फोन है, गांव की थोड़ा कम है। दर जो थी सबसे सस्ती हो गई। दूसरा निर्णय अटल जी की सरकार ने लिया कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एक टेक्नोलॉजी GSM थी, एक CDMA था, हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, हर तरह की टेक्नोलॉजी अलाउ करेंगे। ये नहीं कि आप एक टेक्नोलॉजी से जाओ, आप किसी भी टेक्नोलॉजी से जा सकते हो। और तीसरा निर्णय ये किया कि आपकी टेक्नोलॉजी कोई भी हो, आपको एक यूनिफाइड लाइसेंस चाहिए, उससे कोई भी तरीका तकनीक का प्रयोग कर लो। उस दिन के बाद से आज तक UPA ने कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसी नीति को चला रहे हैं, उन 3 निर्णयों को। उसका असर यह है
कि जो लाइन 20-20 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी वो समाप्त हो गई। आप जाइए, आपको आधे घंटे में टेलीफोन मिलेगा। जो दर है वो सबसे दुनिया में सस्ती हो गई। जो 0.8% था टेलीडेंसिटी, वो आज 68% हो गई। और एक सक्सेस स्टोरी बनी। इस बीच में सरकार, जो निर्णय था कि पहले केवल 2 खिलाड़ी होंगे, अब कहा असीमित खिलाड़ी होंगे, अन्य खिलाड़ियों को भी लाती रही। 2007 में जब ए राजा मंत्री थे तो सरकार ने निर्णय किया कि हम हर सर्कल में और लाइसेंस देंगे। लाइसेंस तो एक कागज का टुकड़ा होता है, केवल अनुमति होती है, लेकिन सरकार को पैसे देकर आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है जिसके आधार पर आप इस सेवा को शुरू कर सकें। स्पेक्ट्रम पे सरकारी अधिकार होता है, आपका रक्षा मंत्रालय बहुत स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए, और पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री को जाती है। आप स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए किस दर पे दोगे? अब 2007 से इन्होंने नई कहानी शुरू कर दी। एक विज्ञापन निकाला कि 1 अक्टूबर 2007 से पहले जो चाहता है लाइसेंस वो दरखास्त दे। बहुत लोग आए। अब इन लोगों में से अपने चेहताओं को कैसे दिया जाए, षड्यंत्र यह था। जब एप्लीकेशंस आ गई तो उसके बाद दूसरा निर्णय यह सरकार करती है, और वो निर्णय केवल ए राजा का नहीं था। ए राजा का पत्र छपा है प्रधानमंत्री के नाम कि आपसे चर्चा करने के बाद हमने यह तय किया था कि हम ये पहली अक्टूबर की डेट को रद्द कर दे और उस डेट को आगे बढ़ा ले। आगे कैसे बढ़ाए कि विज्ञापन में कहा पहली अक्टूबर, और निर्णय लिया कि जो 25 सितंबर से पहले एप्लीकेशन आई है केवल उसको कंसीडर करेंगे, जो 25 अक्टूबर और सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में आई उनको समाप्त कर दो। अब जितने टेलीकॉम के खिलाड़ी थे वो तो 25 सितंबर के बाद आए थे, और 25 सितंबर से जो पहले वाले थे जो इनके खास चाहते थे उसमें अधिकतर वो थे जो रियल एस्टेट बिल्डर लोग थे। उनको कहा भाई आप 25 से पहले डाल दो, मैं नीति बनाऊंगा 1 अक्टूबर की, उसको खत्म करके उसको 25 कर दूंगा। तो आपने गलत तरीके से बहुत खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। अब 25 से पहले जो खिलाड़ी आए, 122 सर्कल्स लाइसेंस जाने थे, यानी कि पूरे देशव्यापी लिया जाए तो 9 लोगों को मिलना, लेकिन 9 के स्थान पर 20-25 लोग थे। एक दिन दोपहर को निर्णय किया और एक सर्कुलर निकाला कि 2 बजे आपको अपनी लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगी, आप नीचे दफ्तर के नीचे आ जाइए। एक आदमी वो पत्र लेकर गया और बांटने लग पड़ा, और नीति ये होगी जो सबसे पहले पैसे जमा करवाएगा उसको मिलेगी। अब सबसे पहले पैसे जमा करवाने का तरीका भी जो अपने चाहते ना होते उनको पहले बतला दिया गया। एक आदमी पत्र लेकर चला गया, कुछ गुंडे मुस्टंडे लेकर चला गया, तो जो दूसरे लोग आते थे उनकी कार पार्क में ही पिटाई हो जाती थी, और 9 आदमियों को 2 बजे चिट्ठी पकड़ा दी, उनको पहले सूचना दे दी 2:15 तक। अब बहुत बड़े पैसे के बैंक ड्राफ्ट बनवाने थे, बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, अगले दिन आएंगे, उन सबको निर्णय पहले बतला दिया। 2 और 2:15 के बीच में उन 9 आदमियों ने जाके अपने पैसे जमा करवा दिए। उनमें से एक तो इतना होशियार था कि उसने 1 शाम पहले ही जमा करवा दिए थे, कि नीति घोषित होने से पहले ही जमा करवा दिए, उसको नीति मालूम थी। और जो दूसरे लोग आ गए थे गलती से वो घायल कार पार्किंग में पड़े थे। अब दूसरा विषय आया कि इन 9 लोगों से कितने पैसे लिए जाए, तो 2008 में उनको कहा गया कि 2001 का जो दाम है उसके आधार पर आप 1658 करोड़ बनता है, वो आप दे दीजिए। वो 1658 दे दिया। अब 2008 में आप स्पेक्ट्रम बेचो या जमीन बेचो तो 2008 का दाम लो। TRAI ने यह कहा
कि द वैल्यू मस्ट बी डिटरमिंड एज पर मार्केट मैकेनिज्म, बाजार में क्या कीमत है उसके आधार पर तय करो। अब इसमें से अधिकतर बिल्डर लोग थे, 1658 करोड़ में खरीदा, और क्योंकि टेलीकॉम में विदेशी पूंजी जो है, विदेशी निवेश जो है वो 74% हो सकता है, वो विदेशी पार्टनर ढूंढने गए, किसी ने 74%, किसी ने 60% उनको बेचना शुरू किया, और उनसे पूछा भाई आप बतलाइए कि आप विदेशी पार्टनर बनना चाहते हैं, मैं 1658 में लाया हूं, आपको 60% देता हूं, 74% देता हूं, इस पूरे की कीमत क्या है? तो बाजार ने कीमत तय की कि इसकी कीमत 9,500 करोड़ है। तो 1658 में खरीदा और अगले दिन जाकर उसका 60% या 74% 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ में बेच दिया। और दो या तीन को छोड़ के किसी ने सेवा आरंभ नहीं की, वो सिर्फ बेचने में लगे हैं कि प्रॉफिट पे कैसे बेचते। अब हम 2-2.5 साल से ये कह रहे हैं। मुझे याद है कि 23 जुलाई 2009 को 1.5-2 साल पहले मैं 1.5 घंटा राज्यसभा में बोला ये सारे तथ्य। कांग्रेस का हर सदस्य समझ रहा था लेकिन प्रधानमंत्री समझने को तैयार नहीं थे कितना बड़ा गड़बड़ हो गई। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जो अभी विज्ञान भवन में 3 महीने पहले की, तो उन्होंने कहा कि जो एनडीए गवर्नमेंट के जमाने में हुआ हमने वही किया। भाई 2008 में आप 2001 के दाम पे भेज दो और इस तरीके से चुनो लोगों को। अब घाटा कितना हुआ सीएजी को कहा तुम बताओ घाटा कितना हुआ। ये जो सिब्बल साहब सीएजी पे बरस रहे हैं 3 दिन से, सीएजी ने क्या किया? और कोई बहुत, जैसे मैंने आरंभ में बोफोर्स में कहा दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, सीएजी ने कहा कि पहला तरीका यह है कि एक कंपनी ने 74% हिस्सा शेयर्स अपने बेच दिए, 1658 में लिया और 7,500 में 74% बेच दिए, उसका दाम ले लिया जाए बाजार का तो एक आदमी के ऊपर घाटा हुआ 7,500 करोड़ का, 9 लाइसेंसेस में इसको जोड़ दिया जाए तो 70,000-72,000 करोड़ बनता है। दूसरे के मामले में घाटा हुआ 7,000 करोड़ का, वो 65,000 करोड़ घाटा बनता है। इस बीच में एक खिलाड़ी था एस्टेल, उसने कहा जो 1658 में दे रहे हो मैं ये ड्राफ्ट लाया हूं, मैं 13,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं, उसकी दर ले ली जाए तो 1,10,000 करोड़ बनता है। 15 जनवरी 2008 को जो सिब्बल साहब कह रहे हैं इसके ठीक विपरीत तर्क दिया, चिदंबरम साहब ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि इसको रोको, यह नीलामी से बिकना चाहिए। 15 जनवरी को वित्त मंत्री थे चिदंबरम, उन्होंने कहा यह गलत हो रहा है इसको रोको। सुब्बा राव जो बाद में वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा टेलीकॉम सेक्रेटरी को इसको रोको। ये सब पत्र आज सार्वजनिक हो चुके हैं, इन लाइसेंसेस को रोको। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जीओएम बनाया, उसने जब 3G स्पेक्ट्रम बेचा तो उसने कहा नहीं नीलामी होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने जब नीलामी की तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा मिल गया। तो सीएजी ने कहा अगर 3G की कीमत ले ली जाए तो 1,76,000 करोड़ का घाटा है, एस्टेल वाली ले ली जाए तो 1,10,000 करोड़ का घाटा है, दूसरे दो ने जिस दाम पे बेचा उनका ले लिया जाए। और घाटा कैसे है कि बाजार की जो कीमत है और जो कीमत आपने वसूल की उसमें इतना घाटा है। अब आप इस तर्क को समझिए, आज समाज की क्या हालत है कि अगर नरेगा में दिया हुआ आधा पैसा गायब हो जाए, कॉमनवेल्थ में खर्चा हुआ आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाए, सत्तर हजार करोड़ से लेकर 1,76,000 करोड़ तक की रकम स्पेक्ट्रम में चली जाए, ये सब भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। फिर आप कहोगे कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं हो रहा,
सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकार को टैक्स और लगाने पड़ेंगे, उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। ये उसके उदाहरण है। और मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा, चाहे सबसे कम उसने चार उदाहरण दिए सीए जी ने, कि चारों फार्मूला लगा लिए जाए तो हजारों करोड़ से लेकर लाख 1,76,000 करोड़ तक का नुकसान है। अब कोई तर्क नहीं मिला तो आप एक प्रहार सीए जी के ऊपर आरंभ कर दो। मैं मानता हूं कि विजय गोयल जी जो अभी कह रहे थे, तर्क दे रहे थे कि अगर 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 2011 सजा का वर्ष है, ये विजय गोयल जी कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 2011 कवर अप का वर्ष होगा। इस सरकार के लिए इट विल बी अ ईयर ऑफ कवर अप। पहले हम छोटे छोटे उदाहरण सुनते थे कि किसी ने हजारों में या लाखों में कुछ ले लिया, अब तो आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। और इसलिए मित्रों ये समझ लीजिए कि आज समस्याएं अर्थव्यवस्था को लेकर हैं, माओवाद को लेकर हैं, कश्मीर की है, कीमतों का है, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार में अहंकार आया है, ये जो भ्रष्टाचार के उदाहरण स्पष्ट होकर सामने आए हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैंने दो बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का। और यही कारण है कि वो आनंद का विषय इस सरकार के जीवन में नहीं आया, देयर वाज नो हनीमून पीरियड। ये एक घृणा भावना से ये सरकार का कार्यकाल आरंभ हुआ है, इट हैज स्टार्टेड विद अ सेंस ऑफ रिवल्शन। ये इस सरकार का इतिहास है। और इसलिए इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, अन्य विपक्षी दल में भी इस विषय में हमारे साथ हैं, अपना हम आधार भी बढ़ाए और जनता के अंदर जागरण करके इस विषय को पूरा समाज के अंदर उसकी जानकारियां दे और इस सरकार के ऊपर हम और दबाव बनाए। और इस तरह के हमारे प्रदेश के नेता एक एक जिले में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करें और इसके आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। केवल नारे देने से नहीं, इस विषय को आम आदमी तक हम लोग पहुंचाएं। ये जो तर्क और तथ्य हैं, इनको लिखित रूप में घर घर में पहुंचाएं, तभी इस सरकार की वास्तविकता इस देश की जनता के सामने आएगी। मैं विशेष रूप से एक बार फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र जी को और उनकी सारी सहयोगियों को, अपने वरिष्ठ नेता विजय जी को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस आंदोलन की जो शुरुआत पार्टी ने की रामलीला मैदान के कार्यक्रम से, एनडीए की रैली से की, और इस रैली के पश्चात जो देश भर के अंदर एक माहौल बना है, इस विषय को लेकर सरकार बहुत तकलीफ में है और उसकी तकलीफें इस विषय पे हमने और बढ़ा दी है। और इस विषय पर कोई सरकार के साथ समझौता कर पाने का कोई अवसर हम लोग नहीं देंगे उनके ऊपर। ये एक प्रकार से आर पार की सरकार के साथ लड़ाई है और इसको उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी